हाय गाइस, वेलकम बैक टू फैक्ट टेक 14। सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को और जो बेल आइकन है उसे दबाइए ताकि जितने ही फैक्ट टेक 14 के नोटिफिकेशंस या अपडेट्स हैं वो आपको मिल सके। आज के इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं HP स्मार्ट टैंक 580 वायरलेस ऑल इन वन प्रिंटर की। तो अभी आपको नाम से ही इस प्रिंटर के कुछ फीचर्स के बारे में पता चल गया होगा। जैसे सबसे पहले यहां पर देख सकते हो ये लिखा है स्मार्ट टैंक, इसका मतलब यह है कि बेसिकली ये एक इंक टैंक प्रिंटर है, लेकिन फिर भी हम इसे स्मार्ट टैंक कहते हैं। क्यों कहते हैं, उसके दो मेन रीजन है। तो यहां पर जो आप प्रिंटर का इमेज देख रहे हो बिल्कुल ऐसा ही प्रोडक्ट हमें इसके अंदर मिलता है। मैं कोशिश करता हूं आपको थोड़ा सा पास से दिखा पाऊं। तो यहां पर आप देखिए जो टैंक है इस प्रिंटर के, ये चारों के चारों टैंक्स आपके प्रिंटर के अंदर है, यानी प्रिंटर के अंदर ही आपका टैंक्स दे दिया गया है, जिसकी वजह से इसका जो साइज है वो थोड़ा सा छोटा हो जाता है कंपेयर टू जो नॉर्मल HP के इंक टैंक प्रिंटर्स मिलते हैं, जैसे 310, 319, 410, 419, जिसमें आपका प्रिंटर के आउटसाइड में टैंक दिया जाता है, लेकिन इसमें इनबिल्ट टैंक दे दिया जाता है। दूसरी चीज है, इस प्रिंटर का जो पेज यील्डिंग कैपेसिटी है, या फिर आप पेपर यील्डिंग कैपेसिटी कह सकते हो, या फिर प्रिंट यील्डिंग कैपेसिटी कह सकते हो, वो काफी ज्यादा है। जैसा आप यहां पर देख सकते हो, इस प्रिंटर के साथ आपको 5 इंक बॉटल्स मिलते हैं और इन 5 इंक बॉटल्स को यूज करके आप अप्रॉक्सीमेटली 12,000 ब्लैक प्रिंट्स और 6,000 कलर प्रिंट्स दे सकते हो, यानी कि अराउंड 18,000 पेजेस आप इस प्रिंटर के थ्रू प्रिंट कर सकते हो, जो कि काफी ज्यादा दिया गया है। दूसरी चीज, ये वायरलेस प्रिंटर है, यानी आप इस प्रिंटर में किसी भी प्रोडक्ट को यूज करके, जैसे लैपटॉप, कंप्यूटर या मोबाइल, इन तीनों चीजों को यूज करके वायरलेसली प्रिंट कर सकते हो। लास्ट है आपका ऑल इन वन प्रिंटर, यानी इसमें आप 3 फंक्शंस कर सकते हो, प्रिंट, स्कैन, कॉपी। तो भर के फीचर्स दिए गए हैं इस प्रिंटर में। अब इसके पैकेजिंग को अगर हम देखें तो ये आपको बिल्कुल इस तरह के एक नॉर्मल पैकेट में मिलता है। साइज भी प्रिंटर का ज्यादा बड़ा नहीं है क्योंकि ये बहुत ही कॉम्पैक्ट साइज प्रिंटर है और कॉम्पैक्ट साइज इंक टैंक प्रिंटर है। तो अब इसे खोलते हैं, लेकिन उससे पहले जो थोड़े बहुत और स्पेसिफिकेशंस हैं वो भी हम देख लेते हैं। तो गाइज, प्रिंटर के बॉक्स के ऊपर अगर आप देखोगे तो यहां पर मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट दे दिया गया है। एप्पल और विंडोज दोनों के यूजर इस प्रिंटर को यूज कर सकते हैं। इवन विंडोज 11 जो कि नया वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें भी ये प्रिंटर सपोर्ट करेगा। अगर मैं थोड़ा सा यहां पर करूं तो जो कंपेटेबल इंक बॉटल है वो भी यहां पर दिया गया है। कलर में GT52 सियान या फिर ब्लू कलर, GT52 पिंक, या फिर आप मजेंटा कलर कह सकते हो, GT52 येलो कलर, वो तीनों के तीनों बॉटल इसमें दिए गए हैं, जिनकी यील्डिंग कैपेसिटी आपका 6,000 पेजेस है। सिमिलरली इसके अंदर आपको दो ब्लैक इंक बॉटल्स भी मिलते हैं, GT53 XL, जिसका यील्डिंग कैपेसिटी 12,000 पेजेस है, ये इंक्लूडेड है। तो चलिए अब हम इसे खोलते हैं और इसके अंदर हमें जो चीजें मिलती है वो एक एक करके निकाल कर प्रिंटर को सेटअप करते हैं। तो गाइज, चलिए अब हम इसे खोलते हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज, अगर आप कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट का यूज कर रहे हो इसे खोलने के लिए तो उसे ज्यादा अंदर तक डिप मत कीजिएगा, क्योंकि हमें नहीं पता प्रिंटर कहां तक है। हो सकता है अगर आप ज्यादा अंदर डाल देते हो तो प्रिंटर आपका स्क्रैच हो जाए, इसलिए सिंपली साइड से ही आप इसे इस तरह से निकाल दीजिए और ऊपर से बस टिप में ही इसे इस तरह से निकालिए। तो जैसे आप देख सकते हो ये निकल चुका है। तो गाइस, ये है हमारा प्रिंटर। तो एक एक करके जो चीजें हैं उन सभी को हम बाहर निकाल देते हैं। तो गाइज, एक एक करके जो चीज़ें हैं उन्हें बाहर निकालते हैं। तो सबसे पहले जो कार्डबोर्ड है इसे अभी हम बाहर निकाल देते हैं। अब इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं वो भी हम देख लेते हैं। तो जैसा आप देख सकते हो इसके अंदर आपको इतनी चीज़ें मिलती है। सबसे पहले आपको दो केबल्स मिलते हैं, एक है आपका पावर कॉर्ड और दूसरा है आपका USB कॉर्ड। इन दोनों को मैं साइड में रख लेता हूँ। उसके बाद आपको इंक बॉटल्स मिलते हैं, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था, आपको कलर बॉटल्स 3 मिलते हैं और ब्लैक बॉटल्स 2 मिलते हैं। तो इनका जो मॉडल नंबर है वो भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले जैसा आप देख सकते हो यह है GT52 येलो, सिमिलरली ये आपका GT52 पिंक या फिर मजेंटा आप कह सकते हो, ये GT52 ब्लू या फिर आप इसे सियान कह सकते हो, और GT53 XL के आपको दो ब्लैक बॉटल्स भी मिल जाते हैं। तो इन्हें भी मैं यहां पर रखता हूं, बाद में निकालूंगा। फिर यहां पर अगर आप देखो तो आपको दो प्रिंट हेड मिलते हैं, यानी ये कैटरी जैसे, जिसके थ्रू ही आप प्रिंटर में प्रिंट करोगे। और उसके बाद यहां पर आपको एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन मैनुअल भी मिल जाता है कि कलर्स और प्रिंट हेड्स को कैसे यूज किया जाता है। तो ये बेसिक चीजें सब जो इंक्लूडेड है वो आपने देख लिया। अब चलिए और कुछ अगर चीजें हैं तो उसे भी हम बाहर निकाल देते हैं। तो गाइज, अभी अगर यहाँ पर देखो तो इसके अंदर आपको इसका एक कंप्लीट इंस्ट्रक्शन मैनुअल मिल जाता है कि आप प्रिंटर को कैसे सेटअप करोगे। इसके अंदर आपको इसका वारंटी कार्ड वगैरह जो है वो भी मिल जाएगा। मैं इस वीडियो के दौरान आपको बता दूंगा इसे कैसे सेटअप किया जाता है। तो ये इसका कंप्लीट इंस्ट्रक्शन मैनुअल दिया गया है। तो चलिए अब जो मेन चीज़ है, यानी कि स्मार्ट टैंक 580 प्रिंटर, उसे अभी हम बाहर निकालते हैं। लेकिन मेक श्योर कि आप आराम से इसे बाहर निकालें, क्योंकि बहुत ही डेलिकेट प्रिंटर है ये। क्या करें गाइज, अकेला बंदा हूँ इसलिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। थोड़ा सा इसे साइड में रख के निकालता हूं। तो गाइज, जैसा आप देख सकते हो ये है हमारा HP स्मार्ट टैंक 580 प्रिंटर।
यह है एचपी स्मार्ट टैंक 580 प्रिंटर्स, दिखने में काफी अच्छा और स्टाइलिश दिख रहा है। अगर आप यहां पर देखो तो आपको ब्लू कलर के इस तरह के छोटे छोटे टेप्स मिलते हैं, ये इसलिए दिया जाता है ताकि ट्रांसपोर्टेशन के वक्त इसके पार्ट्स जो है वो ज्यादा ना हिले। तो चलिए एक एक करके हम इन्हें निकाल देते हैं। तो जैसा आप देख सकते हो ये निकल गया। सिमिलरली इसे अभी हम ऊपर पीछे वाले को निकाल देते हैं। तो ये इसका पीछे जो आप देख रहे हो ये इसका इनपुट ट्रे है, आउटपुट ट्रे यहां पर दिया गया है। मैं कोशिश करता हूं हर एक चीज को निकालकर आपको दिखा पाऊं। तो जैसा आप देख सकते हो ये कंप्लीटली हमारा निकल चुका है। तो अभी अंदर आपको यहां पर कैटरिज होल्डर मिल जाते हैं। तो कैटरिज होल्डर को निकालने के लिए आप सिंपली इसे इस तरह से बीच में लाइए। बीच में लाने के बाद यहां पर देखिए आपको एक ऑरेंज कलर का पैकेट मिलता है, तो इसे आप सिंपली इस तरह से खींच लीजिएगा। लेकिन उससे पहले यहां पर आपको एक ब्लू कलर का नॉब मिलता है, इसे आप नीचे प्रेस कर कीजिए, ये ऊपर उठ जाएगा, फिर आप इसे इस तरह से बाहर निकाल दीजिए और वापस से यहां पर आपको जो ब्लू कलर का नॉब मिलता है उसे प्रेस कर लीजिए। इस ब्लू कलर के नॉब के ऊपर आपको यहां पर छोटे छोटे पाइप्स दिख जाएंगे जो आपका टैंक्स के साथ कनेक्टेड रहता है। तो जैसे ही आप टैंक में इंक भरोगे, इंक आपका पाइप्स के थ्रू जाएगा और यहां पर नीचे आपको छोटे छोटे नॉजल्स मिल जाएंगे। अगर आप देखो ध्यान से तो वो आपका प्रिंटहेड के साथ कनेक्ट हो जाएगा। हम प्रिंटहेड भी यहां पर अभी फिट करेंगे। तो जैसा आप देख सकते हो वापस से आप इसे बंद कर लीजिए। सिंपली आप जो अंदर वाला पोर्शन है इसे आप इस तरह से बंद कीजिए और इसे इस तरह से आप प्रेस कर लीजिए। तो ये आपका कंप्लीटली बंद हो गया। तो चलिए अब हम इसे सेटअप करते हैं। तो गाइज अभी हम इस प्रिंटर को सेटअप करेंगे। तो एचपी स्मार्ट टैंक 580 प्रिंटर को सेटअप करने के दो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। पहला है मैनुअल सेटअप, उसके बाद ही आप अपने प्रिंटर को अपने मोबाइल लैपटॉप या कंप्यूटर के साथ वायरलेसली कनेक्ट कर सकते हो, या फिर इस प्रिंटर के साथ जो यूएसबी कॉर्ड आता है उसे आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर से लगाकर प्रिंट दे सकते हो। तो सबसे पहले मैनुअल सेटअप में आपको चार स्टेप्स फॉलो करने हैं। मैनुअल सेटअप के अंदर भी आपको चार स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहला है पावर को ऑन करके एक बार चेक कीजिए प्रिंटर आपका सही है या नहीं। फिर उसके बाद दूसरे स्टेप में आपको टैंक को रिफिल करना होगा। तीसरे स्टेप में आपको इसका जो प्रिंटेड या कैटरीज है उसे इंस्टॉल करना है। चौथे स्टेप में आपको एक अलाइनमेंट पेज प्रिंट करके स्कैन करना है। तो ये चारों सेटअप अभी हम करते हैं। तो सबसे पहले प्रिंटर को पीछे कर लीजिए। अब देखिए यहां पर आपको दो सॉकेट्स मिलते हैं। तो ये है यूएसबी कॉर्ड। यूएसबी कॉर्ड को आपको यहां पर फिट करना है। मैं कोशिश करता हूं आपको पास से दिखा पाऊं ताकि आपको अच्छे से आइडिया हो जाए। तो अभी हम यूएसबी कॉर्ड को यहां पर इस तरह से फिट कर लेते हैं। तो देखिए ये एक वायर हमारा हो गया। सिमिलरली जो पावर कॉर्ड है इसे भी अभी हम लेते हैं और यहां पर आपको जो दिखता है सॉकेट वहां पर आपको पावर कॉर्ड को इस तरह से फिट करना होगा। अच्छे से आप प्रेस कर लीजिए। तो अब देखिए दोनों ही वायर्स हमारा लग चुका है। तो अभी हमें यूएसबी केबल की कोई जरूरत नहीं है। मैं यूएसबी केबल को यहां पर पीछे रख लेता हूं और जो पावर कॉर्ड है इसे मैं अभी कनेक्ट कर लेता हूं। तो करने के बाद आप पावर को ऑन कीजिए और देखिए यहां पर लाइट ग्लो होने लगा है। एक बार हम इसे यहां पर प्रेस कर लेते हैं और देखते हैं कि यहां पर हमें कुछ दिखता है या नहीं। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, उसके बाद यहां पर डिस्प्ले होना चाहिए। अगर डिस्प्ले कुछ नहीं होता है तो इसका मतलब यह है कि प्रिंटर आपका फंक्शन नहीं कर रहा है और आप उसे रिप्लेस कर दीजिएगा। तो यहां पर देखिए ये हमारा आ चुका है और यहां पर जो वाईफाई लाइट है वो भी ब्लिंक होने लगा है। इसका मतलब यह है कि प्रिंटर अभी वाईफाई कनेक्शन के लिए ढूंढ रहा है, कनेक्टेड नहीं है। तो वाईफाई लाइट भी ऑन हो चुका है और अगर यहां पर आप पास में देखो, मैं कोशिश करता हूं दिखा पाऊं, तो देखिए यहां पर KCMY होकर ब्लिंक कर रहा है। तो ये कलर इंडिकेशन कर रहा है कि अभी तक इस प्रिंटर के अंदर कोई कलर नहीं है और ना ही प्रिंटेड है। तो इसका मतलब यह है कि जो पहला स्टेप है प्रिंटर ऑन हो चुका है और सही से काम कर रहे हैं। अब हम टैंक्स को रिफिल करेंगे। अभी गाइस आपको इसमें जो इंक बॉटल्स मिलते हैं उसे आपको निकालना होगा। तो यहां पर आप इस तरह से इसे काट सकते हो और फिर इसे इस तरह से निकाल दीजिए। तो जैसा आप देख सकते हो ये सारे जो बॉटल्स हैं इंक के हमने निकाल दिए हैं। तो मॉडल नंबर मैं आपको फिर से बता देता हूं। कलर के जो इंक्स है वो है HP GT52 येलो, मजेंटा और सियान। सिमिलरली जो ब्लैक का है वो है GT53XL ब्लैक। तो जब इंक्स आपके खत्म हो जाए बॉटल में और वापस से अगर आपको इंक्स डालना है तो इसी मॉडल के इंक के साथ आपको रिप्लेस करना होगा। कोई दूसरे मॉडल का इंक आप मत डालिएगा क्योंकि ये ओरिजिनल इंक्स है और ओरिजिनल इंक ही प्रीफर कीजिएगा अपने इंक टैंक या स्मार्ट टैंक प्रिंटर में। खासकर एचपी के प्रिंटर्स में एचपी का ही ओरिजिनल इंक आप यूज कीजिए। अब इन बॉटल्स की खासियत क्या है, यह आपका स्पिल प्रूफ बॉटल है। यहां पर देखिए आपको सिंपली इस कैप को ओपन करना है। इसके ऊपर आपको एक छोटा सा मेम्ब्रेन लगा हुआ मिलेगा, तो ये तभी इंक को बाहर निकालेगा जब इसमें कोई चीज पियर्स करेगा।
अगर आप इस तरह से करते हो तो देखिए आपके हाथों में एक बूंद इंक नहीं गिरेगा, तो इसलिए इसे हम स्पिल प्रूफ बॉटल कहते हैं। अभी आपको करना क्या है, सिंपली ये जो सामने वाला भाग है इसे आप इस तरह से ओपन कर लीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो टैंक्स दे दिया गया है और जो कलर है वो भी दे दिया गया है। जिस टैंक के ऊपर जो कलर का आपका नॉब लगा हुआ है उसी कलर को आपको इसमें भरना होगा। अगर आप मिसमैच कर लेते हो तो प्रिंटर खराब हो जाएगा। तो इसमें आपको ब्लैक भरना है, इसमें आपको सियान भरना है, इसमें आपको मजेंटा भरना है और इसमें आपको येलो भरना है। तो चलिए इंक्स को भरते हैं। तो गाइस अभी आप जैसा देख सकते हो मैंने दोनों इंक रिफिल कर दिया है, एक ब्लैक और दूसरा सियान यानी कि ब्लू कलर। अभी हम मजेंटा यानी कि पिंक कलर को रिफिल करेंगे और उसके बाद येलो को। तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करना है आपको। सिंपली ये जो ऊपर वाला कवर है इसे आप निकालिए और यहाँ पर आपको जो मेम्ब्रेन मिलता है उसे बस उल्टा करके यहाँ पर रखना है और थोड़ा सा प्रेस करना है। आप इसे सिंपली यहाँ पर इस तरह से रखिए और फिर इसे प्रेस कर दीजिए। जैसे ही आप प्रेस करोगे देखोगे इंक अपने आप निकलना शुरू हो जाएगा। इसे कंप्लीटली भरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप 50-70% भर के बॉटल्स को बस खींच लीजिए। तो देखिए ये भर रहा है हमारा। तो अब हम क्या करते हैं, इसे लगभग यहाँ तक भरते हैं और फिर इसे इस तरह से सिंपली खींच लीजिए। तो जैसा आप देख सकते हो कोई भी इंक हमारा स्पिल नहीं हुआ यहाँ पर और बहुत ही आसानी से टैंक जो है वो भर गया। सिमिलरली जो येलो है उसे भी हम लेते हैं और हम इसे यहाँ पर इस तरह से रखेंगे और थोड़ा सा प्रेस कर दीजिए। तो जैसा आप देख सकते हो भरना शुरू हो चुका है और अब हम इसे निकाल देते हैं। तो जैसा आप देख सकते हो एक बूंद इंक भी इसका नीचे नहीं गिरा, तो इसलिए हम इसे स्पिल प्रूफ बॉटल कहते हैं और बहुत ही इजीली कोई भी इसे भर सकता है। उसके बाद आप इसे इस तरह से बंद कर दीजिए अच्छी तरीके से, जो कैप से उसे प्रेस करके बंद कर लीजिए और फिर इसे वापस से इस तरह से बंद कर दीजिए। अब फिर से प्रिंटर को ऑन करते हैं और देखते हैं। तो गाइस अभी हम प्रिंटर को ऑन करते हैं। तो जैसा आप देख सकते हो प्रिंटर ऑन हो चुका है। तो पहले जब हमने ऑन किया था यहाँ पर आपने KCMY लिखा हुआ दिखा था, तो अभी वो नहीं होना चाहिए क्योंकि हमने टैंक को रिफिल कर लिया है। देखते हैं क्या यहाँ पर शो करता है। तो जैसा आप देख सकते हो प्रिंटर सेटअप हो रहा है, तो जो टैंक है वो रिफिल हो चुका है और देखते हैं। तो देखिए ये वहां पर चला गया, जो KCMY जो लिखा हुआ था वो बंद हो चुका है। अब यहाँ पर प्रिंट हेड का सिंबल आ रहा है, इसका मतलब ये है कि अभी हमें इसमें प्रिंट हेड को इंस्टॉल करना होगा। तो चलिए प्रिंट हेड को इंस्टॉल करते हैं। तो गाइज प्रिंट हेड को इंस्टॉल करने के लिए सिमिलरली आपको सामने वाला जो कवर है उसे निकालना है और यहाँ पर आप देख सकते हो एक ब्लू लैच है और जिसके नीचे आपका प्रिंटर होल्डर है। मैं थोड़ा सा आगे से ले आता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। तो अभी आपको इस ब्लू लैच को नीचे प्रेस करके छोड़ना होगा, तो ये ऊपर होकर आपका खुल जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो लेफ्ट साइड में एक पिंक कलर का इंडिकेशन दिया गया है और राइट साइड में ब्लैक कलर का। इसका मतलब यह है कि लेफ्ट साइड में आपको कलर प्रिंटेड डालना है और राइट साइड में आपको ब्लैक प्रिंटेड डालना है। तो चलिए एक एक करके हम जो प्रिंटेड हमारा मिला है उसे निकालते हैं। तो जैसा आप देख सकते हो ये हमारा ब्लैक प्रिंटेड है, ये निकल चुका है, मैं इसे यहाँ पर रखता हूँ। सिमिलरली जो कलर प्रिंटेड है उसे भी अभी हम निकाल देते हैं। तो जैसा आप देख सकते हो जो कलर प्रिंटेड है वो भी निकल चुका है। अब इन दोनों प्रिंटेड में एक इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर सामने देखिए इसका एक एक कवर दिया गया है, तो इसे भी आपको इस तरह से निकालना होगा। और जब आप इसे निकाल रहे हो, इस प्रिंटेड का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है इसका कॉपर प्रोसेसर। तो चाहे कुछ भी हो जाए इन दोनों पोर्शन पर कोई भी डैमेज नहीं होना चाहिए। तो इसे जब आप हैंडल कर रहे हो अच्छे से हैंडल कीजिए और कोशिश कीजिए इन दोनों पार्ट्स को टच ना करने की। अगर इससे कुछ हो जाता है या स्क्रैचेस वगैरह आ जाते हैं तो आपका प्रिंटेड और प्रिंटर में रिकॉग्नाइज नहीं होगा और आप प्रिंट नहीं कर सकते, आपको फिर से नया वाला प्रिंटेड खरीदना होगा। इसलिए ये सामने वाले जो दो कॉपर प्रोसेसर है इसे बहुत ही अच्छे से हैंडल कीजिए। अब ये जो पोर्शन है इसे आप इस तरह से निकाल दीजिए। तो यहाँ पर देखिए कलर में आपको तीन पाइप्स मिलते हैं, ब्लैक में एक पाइप मिलता है। तीन पाइप्स का मतलब है सियान, मजेंटा और येलो के लिए और ब्लैक में आपका ब्लैक के लिए। तो अभी आपको करना क्या होगा, सिंपली आप अपने प्रिंटेड को लीजिए, राइट साइड में आपको ब्लैक को फिट करना है। इसे फिट करने के बाद आप इसे थोड़ा सा इस तरह से प्रेस कीजिए, तो आराम से कीजिएगा, कोई हड़बड़ी मत कीजिए। तो देखिए ये आपका फिट हो गया। सिमिलरली जो कलर है उसे भी आप लीजिए और फिर इसे भी आपको यहाँ पर फिट करना होगा। अच्छे से फिट कीजिए, कोई हड़बड़ी मत कीजिए क्योंकि इससे कुछ नहीं होना चाहिए, अगर ये डैमेज हो जाता है तो प्रॉब्लम हो जाएगा। अब आपको इसे प्रेस करना होगा जब तक टक बोल के एक साउंड ना आपको सुनाई दे। तो देखिए ये दोनों हमारे हो चुके हैं। अब ये जो ऊपर वाला ब्लू लैच है इसे आपको यहाँ पर इस तरह से वापस से प्रेस करके छोड़ देना है और फिर इसे आप बंद कर लीजिए। तो जो प्रिंटेड है वो भी हमारा सेटअप हो चुका है। अब फिर से एक बार प्रिंटर को ऑन करते हैं। गाइस टैंक्स को हमने भर लिया, प्रिंटेड को भी भर लिया, तो चलिए अब हम वापस से प्रिंटर को ऑन करते हैं और देखते हैं डिस्प्ले में ये और हमसे क्या पूछ रहा है। तो जो स्टेप्स मैंने कहा बिल्कुल वैसा ही आपको करना है। सबसे पहले प्रिंटर को ऑन कीजिए और देखिए ये सब काम कर रहा है या नहीं, कुछ डिस्प्ले आ रहा है या नहीं। दूसरा आपको टैंक्स को भरना है, तीसरा प्रिंट हेड को आपको लगाना है और चौथा अभी हम देखेंगे क्या होता है। तो देखिए हमने इसे ऑन कर लिया और डिस्प्ले में प्रिंटर जो है वो अंदर मूव होने लगा है और यहाँ पर देखिए डिस्प्ले ऑन हो चुका है। अब हम देखते हैं ये क्या हमसे पूछ रहा है।
तो जैसा आप देख सकते हो अभी तक तो सब कुछ सही है, जो टैंक्स का लाइट था और फिर जो प्रिंटेड का इंडिकेशन था वो अभी शो नहीं कर रहा है। इसका मतलब यह है कि टैंक प्रिंटर ने टैंक में इंक को रिकॉग्नाइज कर लिया और प्रिंटेड को भी रिकॉग्नाइज कर लिया है। अब देखिए यहाँ पर एक इंडिकेशन आ गया पेपर का, तो ये प्रिंटर अभी हमसे पेपर मांग रहा है, तो हम क्या करेंगे, जो A4 साइज पेपर है इसे अभी हम इनपुट ट्रे में डालते हैं। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि हमको एक अलाइनमेंट पेज प्रिंट करना है, तो पहले टैंक को भरिए, प्रिंटर को भरिए, उसके बाद ऑटोमेटिकली एक अलाइनमेंट पेज निकलेगा, जिसके लिए यहां पर ये पेपर मांग रहा है। आप सिंपली A4 साइज पेपर लीजिए, इनपुट ट्रे को खोलिए और इनपुट ट्रे में A4 साइज पेपर्स को डाल दीजिए, बस दैट्स इट। और ये जो आउटपुट है इसे आप अभी निकाल दीजिए। अब हम क्या करते हैं, यहां पर देखिए एक एरो का इंडिकेशन दिखा रहा है, उसे आपको बस प्रेस करना है। अब देखते हैं एक अलाइनमेंट पेज जो है वो ऑटोमेटिकली प्रिंट होता है या नहीं। मैं थोड़ा सा पीछे कर लेता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखा पाऊं। तो जैसा आप देख सकते हो प्रिंटर शुरू हो चुका है, पेपर अंदर जा रहा है और कुछ ना कुछ एक पेज तो अभी प्रिंट होगा। तो अलाइनमेंट पेज प्रिंट होने के बाद उसको आपको स्कैन करना होगा, तब जाके आपने अपने प्रिंटर को पहला जो स्टेप था मैनुअल सेटअप वो कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसा आप देख सकते हो अलाइनमेंट पेज ही प्रिंट हो रहा है, ये ऑटोमेटिकली आपका प्रिंट हो जाएगा। अगर कुछ केसेस में ये ऑटोमेटिकली प्रिंट नहीं होता है तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सिंपली प्रिंटर का जो सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करोगे अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में, वहां पर जाकर भी आप अलाइनमेंट पेज को प्रिंट कर सकते हो। अलाइनमेंट पेज को प्रिंट करके स्कैन करने से फायदा यह होगा कि आपका जो प्रिंटआउट निकलेगा उसमें आपका मिस कैरेज नहीं होगा, यानी आपका जो ओवरलैपिंग रहता है या फिर कहीं पर ब्लर होना इंक वगैरह वो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो देखिए ये हमारा अलाइनमेंट पेज जो है ये निकल चुका है। अभी आपको इसे स्कैन करना होगा। स्कैन आप कैसे करोगे, सिंपली आप अपने स्कैनर को निकालिए, मैं आपको थोड़ा सा पास से दिखा देता हूं ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। अभी आपको करना क्या है, ये जो अलाइनमेंट पेज निकला है इसके पोर्शन को, यानी जो लेफ्ट साइड का टिप है, इसे आपको इस पॉइंटर के पास रखना है। देखिए यहां पर दिया गया है, एक एरो मार्क दिया गया है, आप इसे यहां पर बस इस तरह से रख लीजिए। तो ये आपका प्रिंटआउट कुछ इस तरह से निकला। इस तरह से निकलने के बाद प्रिंटर को सॉरी पेपर को हाथों में पकड़िए, जो लेफ्ट साइड वाला टिप है इसे आप यहां पर पूरे एड्ज में लेकर रखिए। तो जैसा आप देख सकते हो यहां पर आपका इंडिकेशन है, आपको एड्ज पर रखना है, फिर सिंपली इसे आप बंद कर लीजिए। अब आप देखोगे यहां पर आपको ए दिखाई दे रहा होगा, मैं कोशिश करता हूं आपको थोड़ा सा अच्छे से दिखा पाऊं। देखिए ए दिखाई दे रहा है। अब आपको करना क्या है, यहां पर देखिए एक इंडिकेशन दिखाई दे रहा है, इसे आपको सिंपली प्रेस कर देना है और जो स्कैन है वो अपने आप शुरू हो जाएगा और ये जो ए है स्कैन होने के बाद अपने आप हट जाएगा। इसका मतलब यह है कि प्रिंटर आपका कंप्लीटली रेडी हो चुका है प्रिंट स्कैन या कॉपी करने के लिए। तो थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं, तो आपको शायद सुनाई ना दे लेकिन अंदर जो स्कैनर है वो अभी मूव हो रहा है। तो अब देखिए ये जो ए था वो चेंज हो गया, अब यहां पर नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि प्रिंटर आपका कंप्लीटली सेटअप हो चुका है। अब ये जो अलाइनमेंट पेज है इसे आप बाहर निकाल दीजिए, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो प्रिंटर आपका मैन्युअली सेटअप हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, एक प्रिंट देते हैं और देखते हैं। देखिए मेरे पास प्रिंट देने के लिए ज्यादा कुछ तो नहीं है, सिंपली एक इसका जो मैनुअल था वही है। तो मैं क्या करता हूं इसे यहां पर रखता हूं और यहां पर एक कलर प्रिंट देता हूं और ब्लैक प्रिंट। तो यहां पर लेफ्ट साइड में आपको कलर का ऑप्शन मिल जाएगा, राइट साइड में ब्लैक का ऑप्शन मिल जाएगा। तो चलिए एक कलर प्रिंट देते हैं और देखते हैं। तो जैसा आप देख सकते हो कलर प्रिंट शुरू हो चुका है। कोशिश करता हूं आपको थोड़ा सा ऊपर करके दिखा पाऊं। अब इसके प्रिंट स्पीड की अगर मैं बात करूं तो अप्रॉक्सीमेटली 12 ब्लैक प्रिंट्स पर मिनट और आपका 5 कलर प्रिंट्स पर मिनट के हिसाब से ये प्रिंट करेगा। यानी अगर आप ब्लैक प्रिंट देते हो तो 12 पेजेस ये 1 मिनट में प्रिंट कर सकते हैं, और अगर आप सॉरी ब्लैक प्रिंट देते हो हाँ तो 12 पेजेस वो प्रिंट कर पाएगा, अगर आप कलर प्रिंट देते हो तो 5 पेजेस प्रिंट कर पाएगा। सिमिलरली एक ब्लैक प्रिंट भी हम देते हैं और देखते हैं। तो जैसा आप देख सकते हो ब्लैक प्रिंट भी शुरू हो चुका है, ये हमारा कलर प्रिंट निकल गया और ब्लैक प्रिंट जैसा आप देख सकते हो कितनी तेजी से निकल रहा है। तो ये हमारा ब्लैक प्रिंट जो है ये भी निकल चुका है। तो कलर प्रिंट और ब्लैक प्रिंट दोनों की तेजी 12 ब्लैक प्रिंट्स पर मिनट, 5 कलर प्रिंट्स पर मिनट।
अगर आप अपने प्रिंटर को अपने कंप्यूटर या लैपटॉप से प्रिंट करना चाहते हो तो आप दो तरीके से कर सकते हो। सबसे पहला, अगर आप वायरलेसली प्रिंट करना चाहते हो तो आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में HP स्मार्ट एप्लीकेशन का जो सॉफ्टवेयर है वो लोड कर दीजिएगा। उसके बाद आप प्रिंटर का वाईफाई ऑन कीजिए और इसका वाईफाई ऑन कीजिए, दोनों ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएंगे और आप बहुत ईजिली प्रिंट कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास लेट्स से राउटर वगैरह नहीं है तो आप वायरलेसली नहीं प्रिंट करना चाहते हो तो आप USB कॉर्ड के थ्रू भी प्रिंट कर सकते हो। जैसे यहाँ पर देख सकते हो, ये USB कॉर्ड है जो हमने प्रिंटर के पीछे कनेक्ट किया था स्टार्टिंग में। आप बस इसे अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में कनेक्ट कीजिए और उसके बाद इस पर्टिकुलर प्रिंटर का जो सॉफ्टवेयर और ड्राइवर है उसे आपको लोड करना होगा। तो मैं कोशिश करता हूँ आपको थोड़ा सा पास से दिखा पाऊँ। आप कोई सा भी एक वेब ब्राउजर खोलिए, चाहे गूगल क्रोम हो, इंटरनेट एक्सप्लोरर, कुछ भी आपको जो भी पसंद है, वहाँ पर आप टाइप कीजिए HP सॉफ्टवेयर एंड ड्राइवर और फिर एंटर कर दीजिए। और जैसे ही आपका पहला वाला ऑप्शन आएगा support.hp.com, तो उसमें आपको इसे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे, ये देखिए आपका खुल गया। यहाँ पर वो पूछेगा आप कौन से प्रोडक्ट के लिए सॉफ्टवेयर ड्राइवर लोड करना चाहते हो। तो यहाँ पर आप प्रिंटर को क्लिक कीजिए। तो जैसे ही आप प्रिंटर को क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको प्रिंटर का नाम सर्च करना होगा। तो नाम आपको कहाँ पर मिलेगा, मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखा पाऊँ। यहाँ पर देखिए प्रिंटर का नाम लिखा हुआ है, मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखा दूँ। HP स्मार्ट टैंक 580, जैसा लिखा हुआ है वैसा ही यहाँ पर आपको सर्च करना है। तो देखिए यहाँ पर हम टाइप करते हैं HP स्मार्ट टैंक 580। तो देखिए ऑटोमेटिकली ड्रॉप डाउन में आपका आ गया है HP स्मार्ट टैंक 580, इसे आप क्लिक कर लीजिए। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे, यहाँ पर आपका बहुत सारा ऑप्शंस आ जाएगा। मैं कोशिश करता हूँ एक एक करके आपको थोड़ा सा दिखा पाऊँ, ज़्यादा समय नहीं लेगा गाइस, ये थोड़ा सा ही है। तो यहाँ पर आप देखिए आपको बहुत सारे यहाँ पर इंस्टॉलेशन के लिए ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो पहला वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर दिया गया, ड्राइवर प्रोडक्ट इंस्टॉलेशन सॉफ्टवेयर, जिसका साइज है सिंपली 15.7 MB, इसे आपको डाउनलोड कर देना है। तो इसे आप बस डाउनलोड क्लिक कर दीजिए। डाउनलोड क्लिक होने के बाद आपका यहाँ पर डाउनलोड का जो फाइल है वो ऑटोमेटिकली शुरू हो जाएगा, जैसा आप देख सकते हो। इसके बाद आप एक बार इसे बैक कीजिए, पीछे जाइए पहले जो पेज पर आप गए थे, यहाँ पर आप देखिएगा सिंपली नीचे जाते रहिए। यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन है, यहाँ पर देखिए लिखा गया इंस्टॉलेशन सॉफ्टवेयर एंड ड्राइवर इंक्लूड्स प्रिंट स्कैन लेटेस्ट फीचर्स एंड सॉल्यूशन, इसे अगर आप इंस्टॉल करते हो तो आपका HP स्मार्ट ऐप जो है वो भी इंस्टॉल हो जाएगा। तो आप दोनों कर लीजिएगा, क्योंकि अभी मुझको स्मार्ट ऐप से प्रिंट नहीं करना है, क्योंकि मुझे USB से प्रिंट करना है, इसलिए मैंने सिंपली पहला वाला जो है उसे कर लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो नीचे हमारा जो है ये हो चुका है। अभी आप इसे ओपन कीजिए और फिर डबल क्लिक कीजिए, तो देखिए ये आपका एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। जब ये इंस्टॉल हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हो इसका जो एप्लीकेशन है वो आ जाएगा, HP स्मार्ट टैंक 580 590 सीरीज, उसे वहाँ पर आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद ओके कीजिए और देखिए ये आपका ऑटोमेटिकली खुल जाएगा। अब इसे यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर सिर्फ आप देख सकते हो क्या चीज़ प्रिंट हो रहा है, या फिर अगर आप स्कैन करना चाहते हो तो आप स्कैन कर सकते हो इस एप्लीकेशन को यूज़ करके, अगर आप USB से प्रिंट कर रहे हो तो। अगर आप वायरलेसली प्रिंट कर रहे हो तो आपको HP स्मार्ट एप्लीकेशन लोड करना होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, तो गाइज अभी मेरे पास एक इमेज है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कुंग फू पांडा का इमेज है, इसे ही अभी हम प्रिंट करेंगे। तो सिंपली आप लीजिए, यहाँ पर ड्रॉप डाउन में आप सिलेक्ट कीजिए स्मार्ट टैंक 580 590 सीरीज, उसके बाद आप यहाँ पर जो भी पेपर यूज़ कर रहे हो, चाहे A4 या A5 जो भी पेपर आपको लेना है वो लीजिए और फिर प्रिंट कर दीजिए। तो अभी जैसा आप देख सकते हो प्रिंटर जो है वो शुरू हो गया। तो आउटपुट ट्रे जो है इसे मैं बाहर निकाल देता हूँ ताकि आपको अच्छे से आउटपुट जो है वो दिख जाए। जब तक ये प्रिंट हो रहा है मैं आपको बता दूँ, इस प्रिंटर में आपका बॉर्डरलेस प्रिंटिंग सपोर्ट करता है। तो अगर आप कोई बॉर्डरलेस प्रिंट कर रहे हो, ये बॉर्डरलेस प्रिंट नहीं है, लेकिन अगर आप कोई बॉर्डरलेस प्रिंटिंग कर रहे हो तो वो भी आपका सपोर्ट होगा। दूसरी चीज़ है, इसमें जो प्रिंटिंग कॉस्ट है वो काफ़ी कम है, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 7 to 10 पैसा पर प्रिंट, यानी कि बहुत कम, इसलिए ये बहुत ही इंक एफिशिएंट है और कॉस्ट एफिशिएंट प्रिंटर भी है। इसका जो इनिशियल प्राइस है ऑब्वियसली प्रिंटर का थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, क्योंकि ये एक स्मार्ट टैंक प्रिंटर है, लेकिन इसका जो लॉन्ग टर्म कॉस्ट है, यानी कि जो लॉन्ग रन कॉस्ट है, वो काफी कम हो जाएगा। तो जैसा आप देख सकते हो जो कलर प्रिंट है वो भी कितनी अच्छी तरीके से निकल चुका है और कितनी तेजी से निकला है। तो इसमें आप 6 कलर प्रिंट पर मिनट और 12 ब्लैक प्रिंट पर मिनट प्रिंट कर सकते हो। तो गाइज ये है HP स्मार्ट टैंक 580 प्रिंटर। आज का वीडियो बस इतना ही, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं इसी तरह के कुछ नए वीडियोस के साथ आपके सामने फिर आऊंगा, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।